go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took. Hey everyone, once again welcome back to the channel. You are with Shivangi Ranjana. How are you guys? मुझे बड़ा उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे. और आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ बिकॉज मैं मस्ती करने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ और अपने रिलेटिव लोग के घर भी चले जाती हूँ. मैं थोड़ा मिल आती हूँ ना, बहुत टाइम बाद आई हूँ तो वो लोग बुलाते हैं, तो मैं उधर भी थोड़ा चली गई थी. मैंने सोचा साथ में एक दो ब्लॉग में किसी किसी को ले लूँ, बट इतना गप लगाते लगाते वक्त ही नहीं मिलता है ब्लॉग शूट करूँ. इधर से तो ध्यान ही निकल जाता कि भाई इधर भी कुछ काम है, तो कोई नहीं. और हाँ, मैं बहुत जल्द यूक्रेन वापस जाने वाली हूँ. आप लोगों को वीडियो में तो देखने को मिल जाएगा जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी. कौन सी एयरलाइन से जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, वो भी पता लग जाएगा आपको. बहुत ही जल्द जाने वाली हूँ. तो गाइज, अभी मुझे कुछ काम है तो अभी मैं जा रही हूँ. मम्मी के साथ थोड़ी दूर तक जाऊँगी, मम्मी का मीटिंग है, फिर मुझे वो ड्रॉप कर देगी रास्ते में, फिर वहाँ से पापा मुझे लेकर जाएंगे, उधर से पापा ऑफिस जा जाएंगे, फिर मुझे लेकर जाएंगे, कुछ काम है. तो चलो आप हमारे साथ बने रहो, कुछ इस तरीके का प्रोसेस है अभी. गाइज देखिए, फिर से हम साथ साथ हैं. गाइज unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait. Guys, यहाँ हम लोग गोलगप्पे खाने आए हैं, मैं और मम्मी. अभी आपको दिखाते हैं स्टॉल देखकर गोलगप्पा खाने रुक गए हैं. ये इधर हमारा घर भी नहीं है, बीच रास्ते में रुक कर गोलगप्पा खा रहे हैं. तो गाइज, अब मैं पापा के साथ जा रही हूँ. अब मैं पहुँच चुकी हूँ मुझे जहाँ जाना था. यहाँ पर मुझे बैंक का कुछ काम था तो मैं बैंक में ये वीडियो शूट कर रही हूँ. थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरे से, आप भी देख लो. और मैं वेट कर रही थी, कुछ प्रोसेस हो रहा था. अब मैं फिर वापस आ रही हूँ. एक्चुअली बैंक का ये ब्रांच आउट ऑफ सीतामढ़ी का था तो मैं वहाँ गई थी. सो गाइज, आज मैं सीतामढ़ी का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ. यहाँ देखो ग्रीन वेजिटेबल्स का स्टॉल लगा रखा है, बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स है, आगे भी आपको दिखेगा यहाँ भी. तो मैं बाइक से रिकॉर्डिंग करते हुए जा रही हूँ, पापा के साथ जा रही हूँ. पापा को कुछ सामान लेना था और मुझे भी कुछ काम था तो हम साथ ही जा रहे थे. मैं बैठी जा रही हूँ बाइक पर, बाइक से ही वीडियो बना रही हूँ, आपको दिख रहा होगा. तो मैं जो भी अगल बगल दिख रहा है मैं दिखाते चल रही हूँ. मैं बाइक पर अभी भी बैठी हुई हूँ. तो गाइज इधर देखो, इधर कुछ मार्केट है ऐसे ही, सारी चीज़ें कुछ कुछ रोड साइड में लगा रखा है जो बिकता है. बहुत पुराना है, यूँ ही शुरू से चलता आ रहा है. ये है बाटा का शोरूम. तो अभी हम अंदर जाएंगे बिकॉज पापा को यहाँ से स्लीपर लेना है, उनको खुद के लिए ख़रीदना है. तो अभी हम देख ही रहे हैं, वो भी देख रहे थे, मैं तो वीडियो थोड़ा बहुत ले रही थी. तो ये सब है बट उन्हें पसंद नहीं आया, यहाँ पर जैसा उन्हें चाहिए था वैसा मिला नहीं. तो अब बोल रहे थे दूसरे शोरूम में चलते हैं. तो अब मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, इस शोरूम से बाहर निकल रही हूँ. अब दूसरे में जाकर देखेंगे, उन्हें कुछ अच्छा लगेगा जो तो वो ले लेंगे. तो अब आगे की तरफ जा रही हूँ. और हाँ गाइज, इधर थोड़ा सा मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ. देखो पापा बाइक चला रहे हैं, मैं ऊपर हाथ कर करके वीडियो बना रही हूँ. और ये सीतामढ़ी का मैं आपको दिखाती हूँ, ये जानकी मंदिर साइड में आई हुई हूँ. ये जानकी मंदिर है. अब मैं आ गई हूँ चाट एंड स्वीट्स के कॉर्नर पे. यहाँ पे बहुत ही टेस्टी चाट मिलता है और मैंने यहाँ से लिया है एक रसमलाई, बिकॉज मुझे रसमलाई भी बहुत पसंद है. और चाट, मेरा चाट तो बन चुका है बट ये अंकल किसी और का चाट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए. देखो ऐसे बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी चाट बनाते हैं, ऊपर से बनाना भी थोड़ा सा डाल देते हैं. तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा चाट जो उन्होंने दिया है, सो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही यमी है. चलो मैं खा लेती हूँ पहले, फिर बातें करती हूँ. मुझे चाट गोलगप्पे एंड मोमो ये सब तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है. तो मैं जब भी कुछ लेने वाले बाहर आती हूँ तो मैं खा कर ही जाती हूँ. तो फिर गाइज मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय.